राजस्थान विधानसभा चुनाव में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मास्टर भवनलाल मेघवाल कांग्रेस के, जिन्होंने कीर्तिमान जीत दर्ज किए। जिले में लगभग 40,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की और मैं उनके निवास स्थान जय निवास का दृश्य आपको दिखा रहा हूं, जहां पर परिजन खुशियां मना रहे हैं, जीत की आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। मास्टर भवनलाल मेघवाल सीधे चूरू से जयपुर चले गए हैं और जब वो कुछ हासिल करके या कोई पद हासिल करके आएंगे उसके बाद में सुजानगढ़ के लोग उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं उनके भाई भागीर जी और पूरा परिवार और इष्ट मित्र यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाइयाँ दे रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है, जय निवास पर आतिशबाजी का दृश्य आप देख रहे हैं। जीत का जश्न मास्टर मोहनलाल मेघवाल के निवास स्थान से आप देख रहे हैं। जश्न का यह दृश्य जय निवास यानी मास्टर मोहनलाल मेघवाल के निवास स्थान से आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं परिजन बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, सभी विक्ट्री चिन्ह दिखा रहे हैं। जय निवास पर त्यौहार मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है और क्यों ना मनाया जाए। मास्टर भवनलाल मेघवाल ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, जिले की सबसे बड़ी जीत है और इस समय आप देख रहे हैं मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के छोटे भाई भागीर जी और पूरे परिवार के लोग आप देख रहे हैं खुशियां मना रहे हैं। सबसे पहले भागीर जी बहुत बहुत बधाई, कितना आनंद आ रहा है जीत के बाद? बहुत 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 ज़्यादा आनंद आ रहा है। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? नहीं, उम्मीद तो थी लेकिन 25 से 30 हज़ार की थी, 40 हज़ार की नहीं थी, लेकिन जनता ने इतना वोट दे दिया कि 40,000 पार हो गए। आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये मास्टर भवनलाल जी की जीत नहीं, हमारे सुजानगढ़ की जनता की जीत है, जिन्होंने इतना प्यार और अपना स्नेह है, आशीर्वाद इनके ऊपर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी जीत, जिले की सबसे बड़ी जीत बड़े पापा दर्ज करेंगे? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी लेकिन वही 20 से 30 के बीच की उम्मीद थी, लेकिन ये 40,000 की जीत तो बहुत ही बड़ी है। एक अहम सवाल करना चाहूँगा, पहली बार एक महिला ने चुनाव लड़ा और वो भी भवनलाल जी मेघवाल के खिलाफ, संतोष मेघवाल ने, उसको लेकर आपके मन में क्या संशय था? संशय बिल्कुल भी नहीं था, जीत अपनी बिल्कुल साफ जाहिर ही थी। और उस कदम को कैसा मानती है, क्योंकि कांग्रेस की नेता ने इतने बड़े नेता के खिलाफ, अपने गुरु के खिलाफ जो चुनाव लड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है एक महिला आगे आई है, बट अपने प्रत्याशी मास्टर भवनलाल जी की जीत तो पहले से ही निश्चित ही थी। कितना अच्छा जवाब दिया है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि एक महिला आगे आई। और मास्टर भवनलाल मेघवाल ने भी संतोष मेघवाल को सहजता से लिया, जब भी उनसे सवाल किया गया उन्होंने कहा कि ये कुछ भी बोल सकती है, बच्ची है, लेकिन वो अपनी जीत के प्रति हमेशा आश्वस्त नजर आ रहे थे। आप देख रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका। प्रियंका थोड़ी देर घूमे। प्रियंका, आपको कैसा लग रहा है जीत के बाद? बहुत खुशी हो रही है, बहुत। और आपको भी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए सुजानगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बात बताइए, जब आएंगे वो जीत चुके हैं जयपुर से आएंगे तो किस तरह के उत्सव की तैयारी हो रही है? बहुत ही सुजानगढ़ की जनता ने बहुत अपना स्नेह और आशीर्वाद उनको दिया है, तो बहुत उत्साहित है सुजानगढ़ की जनता और हम लोग भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने जिताया है, लेकिन देखो कौन सा महकमा लेके वो आते हैं यहाँ पर, तो और भी खुशी का माहौल होगा यहाँ पे उसके बाद। बिल्कुल, जो मैंने कहा था चूरू में जीत के बाद कि लोगों के दिल में एक ही है कि मास्टर भवनलाल मेघवाल को कौन सा महकमा यानी कौन सा मंत्री पद मिलता है, ये कह रही हैं। और उसके बाद में जो जश्न होगा सुजानगढ़ में वो निश्चित रूप से देखने लायक होगा। इधर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौलाना जी क्या कहेंगे जीत के बाद? देखिए ये जीत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। जिस तरह से सुजानगढ़ की जनता ने माननीय मास्टर भवनलाल जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने जो मेहनत की, उसी का परिणाम है कि आज हम 40,000 के करीब इस विधानसभा क्षेत्र को जीत रहे हैं। दूसरी बात कि राता इन झूठे और मक्कारों से, जिन्होंने झूठे वादे कर करके इस देश और प्रदेश की जनता को ठगा था, उनसे तंग आ चुकी थी जनता, बदलाव चाहती थी जनता, में ये जुनून था कि इस भ्रष्ट सरकार को
राजस्थान से हटाएं और उसके बाद में इसको दिल्ली से लोकसभा से भी हटाएं, ऐसा जनता ने मानस बना लिया है। और इसका परिणाम है कि आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो राजस्थान में तो क्लियर हो गया, इनको हटा दिया है, और आने वाले लोकसभा में भी इनको सफाया होना पड़ेगा। राजस्थान और देश की जनता चाहती है कि इस देश में कांग्रेस का शासन फिर से आए और जनता को सुकून मिले, राहत मिले, जनता को अपना जो भी जिस तरह से इन लोगों ने छला है, ठगा है, उससे मुक्ति मिले। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं जीत से सभी बहुत ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है मास्टर मोहनलाल मेघवाल की, और सभी कह रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि हो सकता है संतोष मेघवाल मास्टर मोहनलाल मेघवाल को टक्कर दे, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई, एक तरफा जीत रही और चूरू जिले की सबसे बड़ी जीत मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने दर्ज की। और जय निवास पर आप देख रहे हैं सारे समर्थक और परिजन इस समय उत्सव मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सभी को लड्डू बांटे जा रहे हैं और सभी लड्डू खा रहे हैं।